रायबरेली पुलिस ने आज शातिर चोर गैंग का भंडा फोड़कर सात चोरों को गिरफ्तार किया है। यह गैंग पिछले कई महीनों से जिले के कई थाना क्षेत्रों में घूम घूम कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। चोरों के पास से पुलिस ने लाखों के जेवरात और नकदी रुपए बरामद किए हैं। मामले में आलोक वेदर से पुलिस अधीक्षक रायबरेली ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। थाना भदोकर में कल 7 अभियुक्त लूट की योजना बनाते हुए पकड़े गए हैं और जब उनसे पूछताछ की गई है तो उसमें ये पता चला है कि उनके द्वारा सरेनी थाना क्षेत्र और कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कई चोरियां विगत दिनों में की गई थीं, जिनका खुलासा किया गया है। इन अभियुक्त गणों के नाम हैं रंजीत यादव, दयाशंकर यादव, नितिन यादव, आलोक कुमार यादव, देशलाल यादव, अमृत लाल यादव और लाल बहादुर रैदास। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें से 5 अभियुक्तों का बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। जो लाल बहादुर, आलोक यादव और रंजीत यादव जो हैं, इनके विरुद्ध 7 मुकदमे हैं। अभियुक्त नितिन के विरुद्ध 10 मुकदमे हैं। दयाशंकर यादव जो हिस्ट्री शीटर भी है थाने का, उसके विरुद्ध 15 मुकदमे हैं। अमृत लाल के विरुद्ध 9 मुकदमे हैं और देशलाल यादव के विरुद्ध 12 मुकदमे हैं। इनके कब्जे से चोरी का काफ़ी सारा माल बरामद हुआ है। करीब 50,000 से ज़्यादा नकदी इनके पास से बरामद हुई है चोरी की। इसके अलावा 12 अदद पायलें और सफ़ेद धातु की, 2 अदद मंगलसूत्र मोती माला सहित, 2 अदद पीली चेन, पीली धातु की चेन बरामद हुई है, बिछिया, झुमकी, अंगूठी, सिक्के और 315 बोर का तमंचा, और इसके अलावा एक मोटरसाइकिल जो संभवतः चोरी की है, एक और मोटरसाइकिल, 5 एंड्रॉयड फ़ोन, 3 कीपैड फ़ोन और बाकी चोरी का सामान जो उपकरण होते हैं, छेनी, हथौड़ी और जो भी नकब लगाने के जो उपकरण होते हैं, वो सब इनके पास से बरामद हुए हैं। पकड़े गए अभियुक्त गणों से और भी पूछताछ करके अन्य घटनाओं का पता लगाया जा रहा है और इस घटना का खुलासा करने वाली टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।